क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1+5x टू द बेस 1+3x, यहाँ दिया फॉर एक्स इज नॉट, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर ये दिया हुआ है फॉर एक्स इज लेस देन जीरो। तो जैसे आपको पता है इज नॉट इक्वल और इक्वल होगा तो इसका हम लिमिट लेते हैं और ये फंक्शन वैल्यू, बट यहाँ ऐसे नहीं है तो कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे, सॉल्यूशन लिखते यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी नहीं दी है, कैसे करेंगे। देखो लिमिट x टेंड टू आपका जो वैल्यू है x इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो माइनस एफ एक्स एक बार करोगे और एक बार आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ जीरो प्लस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस यानी लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो देखो ये x ग्रेटर देन जीरो, ये नहीं x इज लेस देन जीरो ये, तो ये जो है ये फंक्शन लेना है 32x-1/8x-1। इसको सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंड टू जीरो ये हो जाएगा देखो यहाँ पर आप दोनों को x से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इससे क्या फ़ायदा होगा ये फॉर्मूला बन जाएगा ये देखो इस तरह से। आप चाहिए तो यहाँ पर लिमिट भी दे दो, लिमिट x टेंड टू जीरो डिवाइड बाय x किया और लिमिट भी दोनों को दे दिया, ये आपने लिमिट चैप्टर में सीखा था। ऐसा जब भी होता है तो क्या करते हैं ए रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये लॉग 32 आंसर आता है, लॉग 32 और यहाँ पर लॉग 8 आंसर आएगा, लॉग 8। फॉर्मूला क्या यूज़ किया वो लिखो, सिंस लिमिट x टेंड टू जीरो ए रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए का लॉग, लॉग ऑफ 8, ये फॉर्मूला यूज़ हुआ। अब ये 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 2 रेज टू 5, ये 32 होता है और लॉग 8 क्या होता है 2³ होता है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, ये जो पावर है वो पहले आ जाता है, 5 × log 2 और ये 3 पहले आ गया, तो 3 × log 2 इस तरह से log 2 गेट्स कैंसल एंड वी गेट 5/3। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 5/3 आ चुका है यहाँ पर। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 0+fx, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा लिमिट x टेंड टू 0+ मतलब ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 क्या है ये है log 1+5x और इसका बेस 1+3x है, इस तरह से लिखते हैं बेस इज 1+3x एंड log ऑफ 1+5x, ये हमारा फंक्शन है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करते लिमिट, इसका एक फॉर्मूला होता है log a टू द बेस b होगा, log का एक फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ बेस, कैसे होता है log जो ऊपर a है वो a और जो बेस है उसको नीचे लेके log में देना है, log a अपॉन log b, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दे। सो लिमिट x टेंड टू 0 ये हो जाएगा log, ये जो ये है 1+5x, जो बेस है उसको अलग से log देके डिनोमिनेटर में कर देना। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वापस से x से डिवाइड करते, डिवाइड बोथ बाय x, तो log 1+5x अपॉन x और ये हो जाएगा log 1+3x अपॉन x। यहाँ पर जो लिमिट है दे दो, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 दोनों को दे दो, लिमिट x टेंड टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, एक फार्मूला अप्लाई होने वाला है, कौन सा फार्मूला, तो log लिमिट ऑफ log 1+x अपॉन x ये 1 होता है, ये जो आंसर है 1 होता है। तो ये भी देखो है log 1+x, x के बदले 5x है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, हम यहाँ पर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 कैंसिल होकर वही आ जाएगा। यहाँ भी देखो 3x है, ये 3 आना चाहिए और ये 3। अब हम लोग अप्लाई कर दें, ऊपर 5 और नीचे 3 बच गया है, ये जो पूरा है ये हो जाएगा 1, एच पर दिस फार्मूला आंसर इसका 1 आएगा, log 1+5x/5x ये 1 आ गया। और यहाँ पर भी देखो ये सेम है, log 1+3x/3x इस फार्मूले से 1 है, लिमिट का ये फार्मूला था। तो आंसर क्या आ गया, 5 × 1 5, 3 × 1 3, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया था वो था 5/3, जो राइट हैंड लिमिट आया वो भी आया 5/3। देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0-fx इज इक्विवेलेंट टू लिमिट x टेंड टू 0+fx, देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 5/3। तो अब लिमिट एग्जिस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसमें f की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिफाइन करते हैं, एफ एक्स कैन बी रीडिफाइंड एज, एफ एक्स कैन बी रीडिफाइंड एज, जो क्वेश्चन था वापस से लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 1+3x
और यहाँ पर क्या था 1 + 5x, ओके। एंड दूसरा जो था fx 32 raised to x - 1 अपॉन 8 raised to x - 1, दिस इज फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस इज फॉर एक्स इज लेस देन 0। इस तरह से आप यहाँ पर क्या करोगे, एक वैल्यू और लिखना इज इक्वल टू 5/3 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। एक थर्ड वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 द फंक्शन वैल्यू इज 5/3। इस तरह से अब ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस हो गया, एक लाइन और लिखो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस है जो कंटिन्यूटी के, अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी तो रिडिफाइन करना, या फंक्शन की वैल्यू नहीं दी थी वो फंक्शन की वैल्यू देने के बाद वो कंटिन्यूअस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड देखो, थर्ड के अंदर ये जो सिर्फ एफ एक्स दिया हुआ सिर्फ एक ही फंक्शन है और यहाँ पर हमें डिस्कस करना है ये कंटिन्यूटी या जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है तो रिमूवेबल है क्या, रिमूवेबल है तो रिडिफाइन करो। तो ऐसे फंक्शन को क्या किया जाए, यहाँ पर देखो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है मतलब इसका लिमिट लेना चाहिए और जो लिमिट की वैल्यू है वहाँ पर एक और फंक्शन की वैल्यू आ गई तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेन टू कितना, ये जो 0 था इज नॉट इक्वल टू है वही टेन टू लेने का एफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो फंक्शन है एफ एक्स ये पूरा है 3 - 8x 3 - 2x। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको कंटिन्यूटी आने के लिए लिमिट के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, अगर आपको आते हैं तो आप इजीली कर लोगे। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ 3 कॉमन लेने वाला हूँ, यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा 1 - 8x / 3 और यहाँ पर भी 3 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा 1 - 2x / 3। ऐसा करने से क्या होगा, एक फॉर्मूला था आपको याद होगा, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 - x raised to 1/x इज इक्वल टू ई। अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला ये ई ये यूज होगा यहाँ पर, उसके लिए ये ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया था, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3 बाहर आया तो 1, यहाँ 3 नहीं था तो अपॉन 3 दिया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक्स टेंड टू 0 डायरेक्ट 0 रख दो, ये हो जाएगा 3 - 2 × 0 0, 3 - 0 3 आ रहा है, डिनोमीटर 0 नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो ये जो पावर है 1/x है, ये जो 1/x 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हमको लिमिट सॉल्व करना चाहिए और ऐसा फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला था। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अंदर लेके जाओ, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0, न्यूमरेटर डिनोमेटर दोनों में लिमिट दो, ये 1 - 8x / 3 और यहाँ पर 1 - 2x / 3, ये जो 1/x पावर था दोनों का था, इसका भी था और इसका भी था, दोनों का दे दो। अब एडजस्टमेंट करते हैं, देखो यहाँ जो x होता है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर होता है, यहाँ 8x / 3 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 / 8x होना चाहिए, यानी 3/8 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये 8x / 3 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल 8x / 3 इसका रेसिप्रोकल क्या, 3/8x ये पावर में आना चाहिए, जैसे x है तो 1/x आना चाहिए। तो ये लाने के लिए हमने क्या किया, 1/x था ऑलरेडी तो 3/8 से मल्टीप्लाई किया और इसको एडजस्टमेंट कैसे किया, 3/8 को वापस से 8/3 करो, इससे क्या होगा 3 3 कट 8 8 कट जो था वही आ जाएगा, एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। यहाँ भी देखो 2x/3 है, 2x/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2x/3 का 3/2x, तो यहाँ 1/x तो है 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो और 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 से बाहर करो, तो ये 2 2 कैंसिल 3 3 कैंसिल जो था वही आ जाएगा। अब होगा क्या, ये जो है पूरा ये हो गया ई, ये पूरा ई हो गया raised to 8/3 अपॉन, ये भी पूरा ब्रैकेट ई हो गया raised to 2/3। कहाँ से आया ये जो फॉर्मूला यहाँ दिखाओगे, अब दोनों भी ई है, ई एक साथ कर दो 8/3, ये जो था ऊपर जाके माइनस हुआ 2/3, सो ई raised to 8 - 2 6/3, सो ई स्क्वायर, तो ये इसका लिमिट आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि रीडिफाइनिंग एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू जो क्वेश्चन था वो पहले लिखना है 3 - 8x / 3 - 2x raised to 1/x फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक वैल्यू लेना, ये जो इसका लिमिट आया था ई स्क्वायर, ई स्क्वायर व्हेन एक्स इज 0 देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो लास्ट पार्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो होती है
उसको रिमूव करने के लिए और कंटिन्यूस बनाने के लिए होता है। यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू थी, लिमिट थी, लिमिट के लिए एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, बट फंक्शन का वैल्यू नहीं था व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पर रीडिफाइन करते हैं और ये क्वेश्चन वापस से मॉडिफाई होता है, ऐसे आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है फोर्थ वाला, फिर से देखोगे एफ एक्स थ्री एक्स प्लस टू है और ये टू एक्स माइनस थ्री है। इसका जो यहाँ पर डोमेन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू माइनस फोर से ग्रेटर इक्वल है या माइनस टू से लेस देन और इक्वल है। एफ एक्स की वैल्यू है टू एक्स माइनस थ्री फॉर माइनस टू से ग्रेटर है एक्स या सिक्स से लेस देन या इक्वल है। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, देखो माइनस टू पे ब्रेक हो रहा है, मतलब क्या कि इस तरह से है माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये माइनस फोर से माइनस टू के लिए ये फंक्शन है, यहाँ से माइनस फोर से माइनस टू के लिए ये जो है इस डोमेन में ये वाला फंक्शन है, और माइनस टू से सिक्स यहाँ से लेके ये जो सिक्स है यहाँ तक के लिए सेकेंड फंक्शन है। तो इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो माइनस टू है। अगर ये कंटिन्यूस, वैसे देखो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा इसके डोमेन में कंटिन्यूस होता है। तो ये जो फंक्शन है सिर्फ माइनस टू पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है क्योंकि अपने आप में ये पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल उसके डोमेन के अंदर हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये आपने सीखा था। और यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, ये जो माइनस टू है इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो लिमिट होगी वो इक्वल है क्या। तो सबसे पहले हम लेंगे लिमिट एक्सटेंड टू, यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट है माइनस टू माइनस एफ एक्स, और उसके साथ ही लोगे लिमिट एक्सटेंड टू माइनस टू प्लस एफ एक्स। माइनस टू माइनस मतलब लेफ्ट हैंड, माइनस टू से कम, माइनस टू से कम क्या है थ्री एक्स प्लस टू, तो वो फंक्शन लेंगे 3x प्लस टू, यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो डायरेक्ट x की जगह माइनस टू रख दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस टू प्लस टू एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस टू माइनस सिक्स प्लस टू एंड माइनस फोर। लेफ्ट हैंड लिमिट आया, राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेन टू माइनस टू प्लस है, प्लस मतलब माइनस टू से ग्रेटर, फॉर दिस फंक्शन 2x माइनस थ्री है, सो 2x, x की वैल्यू क्या है माइनस टू माइनस थ्री, 2 इंटू माइनस टू माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन। अब देखोगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों अलग अलग आ गया है, दोनों सेम नहीं है, तो ऐसा जब भी होगा तो आप क्या लिखोगे, देयर फोर लिमिट एक्स टेंड टू माइनस टू माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू माइनस टू प्लस एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देयर फोर लिमिट एक्स टेंड टू माइनस टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से लिखना है। और ऐसा जब भी होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, देयर फोर एफ एक्स हैज इररिमूवेबल, इररिमूवेबल यानी नॉट रिमूवेबल, ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स हैज नॉट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जो इसको रिमूव नहीं कर सकते, मतलब क्या ध्यान से देखो, कंटिन्यूटी अगर इसका फंक्शन वैल्यू अलग आ रहा है ना तो कर सकते हैं, लिमिट की वैल्यू जो आ रही है वो सेम वैल्यू फंक्शन वैल्यू में रखेंगे तो हो सकता है, लेकिन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं या तो नॉट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर बोलेंगे। ये हो गया नाइन्थ में फोर्थ क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है नाइन्थ में फिफ्थ, ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से करिए। कैसा है देखो, यहाँ पर एफ एक्स की तीन तीन वैल्यू दी है या तीन फंक्शन दिए हुए हैं, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू, व्हेन एक्स इज लेस देन टू, व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये जो थ्री दिया हुआ है ये एफ एक्स का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, यानी जब एक्स की वैल्यू टू होती है एफ टू, तो एफ एक्स थ्री है, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये तब काम आता है जब हम लिमिट निकालते हैं। ओके, लिमिट की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन टू के लिए एक फंक्शन है और एक्स इज लेस देन टू के लिए भी एक फंक्शन है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा इसका और इससे राइट हैंड लिमिट, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन टू है, तो राइट हैंड लिमिट ये कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस एट है, एट को आप टू क्यूब लिख दोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब और ये एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, एक्स माइनस टू से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो फार्मूला बन जाएगा और इस फार्मूले से आप लिमिट ईजिली निकाल सकते हो। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट करोगे इसका तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो ये लिमिट निकालते समय यहाँ एक्स माइनस टू दो बार है, तो एक्स माइनस टू को आप एच ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लो और इसकी लिमिट वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो लिमिट है और ये लिमिट है, दोनों भी जो लिमिट का आंसर अगर सेम आया तो लिमिट एग्जिस्ट होता है,
और अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है तो लिमिट की वैल्यू, इन दोनों की जो वैल्यू और ये वैल्यू 3 सेम है तो कंटिन्यूअस, अगर इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और जंप डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूव भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ आप खुद से करो, आपको आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10th वाला, अब यहाँ से इस चैप्टर में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कंटिन्यूटी है, बट अभी तक जो पूरे 9 क्वेश्चन हमने किए, ये जो 9 क्वेश्चन तक थे सब क्या था, डिस्कस करो कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सा है, और अगर रिमूवेबल है तो रिमूव करो, इस तरह के क्वेश्चन थे। अब 10th ऑनवर्ड हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी दिस इज कंटिन्यूअस, अब ये कंटिन्यूअस दिया होगा तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालने बोलेगा, तो हम कैसे करेंगे। देखो अगर कोई फंक्शन है एक्स इज नॉट इक्वल टू दिया है, उसकी लिमिट और कोई एक फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों सेम होती है तो हम बोलते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि अगर कोई एफ एक्स दिया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल करके और कंटिन्यूअस दिया है तो इस फंक्शन का लिमिट लेंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू को सेम रहेगा, तो ये फंक्शन की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब आप इसका लिमिट निकालोगे सीधा। ऐसा जब भी दिया होगा कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, इसका मतलब हम लोगों को लिमिट ही निकालना है, तो लिमिट चैप्टर ही यहाँ पर काम आने वाला है। कंटिन्यूटी हम सीख रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा जो है लिमिट चैप्टर ही हम कर रहे हैं। आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, ये फंक्शन है, इसका लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो मत लेना, यहाँ जो दिया होता वो लेना, पाई बाय टू। अब ये है रूट टू प्लस साइन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे सॉल्व किया जाए, देखो इसको यहाँ पर लिमिट चैप्टर में आपने सीखा था जब भी रूट वाले होते हैं रैशनलाइज करते हैं, सो रैशनलाइज करो, कैसे करेंगे इसी स्टेप में कर देते हैं। यहाँ पर रूट रूट में जो भी है उसका कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करते हो, रूट टू प्लस साइन एक्स है माइनस है तो प्लस, इस तरह से, और यही डिनोमीटर में भी इस तरह से आप करते हो ऐसे। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर ये लिमिट है, मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा टू प्लस साइन एक्स माइनस रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री, एंड अपॉन में ये जो कॉस स्क्वायर है इसको आप वन माइनस साइन स्क्वायर भी कर सकते हो इस तरह से, और ये जो रह गया सिर्फ ये दोनों मिल गए, ये अलग से रह गया, आप इसको ऐसे कर लो और ये लिमिट आगे लेके जाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, ये जो था इसको अलग से आप लिमिट देके यही सॉल्व कर लो, ये हो गया प्लस रूट थ्री। अब ये लिमिट भी स्प्लिट हो गया, अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू ये हो जाएगा साइन एक्स, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, कैसे आ रहा है देखो, ये टू माइनस थ्री माइनस वन, तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ माइनस वन प्लस साइन एक्स ऐसे लिख देता हूँ चलो, और ये जो था वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या कर सकते हैं, ये वन स्क्वायर समझो, ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा, वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स, इस तरह से इसको हमने कर दिया, ये हो गया इसका लिमिट। अभी करेंगे आगे, यहाँ पर डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रख दो तो ये आ जाएगा रूट टू, रूट टू प्लस साइन पाई बाई टू प्लस रूट थ्री, तो ये अलग से है, इसका लिमिट सॉल्व हो रहा है डायरेक्ट। यहाँ पर लिमिट सॉल्व करने के लिए देखो माइनस कॉमन लेना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू, यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेते तो ये वन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और डिनोमीटर में आप देखोगे ऑलरेडी वन माइनस साइन एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा इस तरह से ये, और ये हमने लिमिट ले लिया इसका, रूट टू प्लस साइन नाइन्टी वन होता है प्लस रूट थ्री इस तरह से। अब क्या होगा देखो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्स की जगह 90 रख दो, यानी पाई बाई टू माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन 90 यानी पाई बाई टू, ये आ गया वन अपॉन रूट टू प्लस वन रूट थ्री प्लस रूट थ्री, सिंप्लीफाई करोगे है माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन 91 होता है वन प्लस वन प्लस इंटू है इंटू वन अपॉन रूट थ्री रूट थ्री टू टाइम्स रूट थ्री, या नहीं रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस कर रहे तो टू टाइम्स रूट थ्री। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वन अपॉन वन प्लस वन इज टू इंटू वन अपॉन टू रूट थ्री, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन इंटू वन माइनस वन, टू टू ज़ा फोर रूट थ्री,
तो ये जो आया ना, ये लिमिट का वैल्यू है, ये जो लिमिट था इसका लिमिट आया। अब क्या करेंगे, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ऐसे आपको लिखना है, देयर फोर एफ ऑफ पाई बाई टू, ये जो फाइंड करना था, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू एफ एक्स, इस तरह से कर देंगे। और इसके बाद ये जो लिमिट है, ये लिमिट कितना है, देखो यहाँ से लिमिट सॉल्व करके माइनस वन अपॉन फोर रूट थ्री, तो ये आया फंक्शन का वैल्यू। इस तरह से आपको किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको बताना है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसकी जो लिमिट आई वो लिमिट की वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू को इक्वल होगी। टेंथ में सेकेंड और थर्ड बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है, डिस्कस करते। जो सेकेंड वाला यहाँ पर देखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज कंटिन्यूअस, यानी अब कंटिन्यूअस दिया हुआ है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड एफ जीरो, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब टेंथ में जो फर्स्ट किए बिल्कुल उसी जैसे आपको इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जो है ये रिप्लेस हो जाएगा कॉस टू एक्स से कॉस टू एक्स माइनस वन। यहाँ पर रूट में दिया हुआ ये, तो आप रैशनलाइज करोगे, इसका जो कॉन्जुगेट होता है रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये रूट हट जाएगा। और जैसे आप लिमिट सॉल्व करते हो आगे सॉल्व करना, जो भी इसका लिमिट आंसर आएगा वो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो ये टेंथ में सेकेंड था, फर्स्ट जैसा है आप खुद से करो। जो थर्ड थोड़ा अलग दिख रहा है वैसे ही, बट इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। क्या है देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड एफ ऑफ पाई, मतलब इसका लिमिट निकालना है, सिर्फ लिमिट निकालना है। बट कैसे निकालें, ये तो कुछ अलग चीज़ें दी हैं, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख लो, एफ एक्स जो है इसका लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू, यहाँ पर वैल्यू थी पाई, एक्स टेंड टू पाई एफ एक्स, ये फाइंड करना है अब हमें। तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू पाई एफ एक्स, एफ एक्स की जगह पर आप पूरा ये लिखते हो फोर एक्स माइनस पाई फोर रेज टू पाई माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस पाई द होल स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है इसका लिमिट फाइंड करना है, इसका लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखो, हर बार मैंने आपको बताया यहाँ एक्स माइनस पाई है और यहाँ पर एक्स टेंड टू पाई, ऐसा जब भी होता है तो उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट करना, ये जो एक्स माइनस पाई है इसको एच करना, देयरफोर ये जो एक्स हो जाएगा पाई इस तरफ आया तो पाई प्लस एच हो गया, एंड सिंस एक्स टेंड टू पाई, एक्स टेंड टू पाई, अगर एक्स पाई है तो पाई माइनस पाई, एच कितना जाएगा जीरो, देयरफोर एच टेंड्स टू जीरो, तो हमने लिमिट चेंज कर दी इसकी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, जो एक्स टेंड टू पाई था एच टेंड टू जीरो, फोर एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस पाई को हमने लिया एच, तो फोर रेज टू एच, फोर रेज टू, अब ये पाई माइनस एक्स है, एक्स माइनस पाई एच है, तो पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एच कर दो, है ना, उल्टा इसलिए, और माइनस टू अपॉन एक्स माइनस पाई अगेन एच, तो ये एच स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू जीरो, देखो ये फोर रेज टू एच, फोर रेज टू एच प्लस ये वन अपॉन फोर रेज टू एच करो, बिकॉज ये माइनस एच बार था, तो वन अपॉन फोर रेज टू एच माइनस टू अपॉन एच स्क्वायर आया यहाँ पर। सिंप्लीफाई करते जाएंगे इसको, लिमिट एच टेन टू जीरो, ये देखो ये इसका अपॉन कुछ नहीं है तो वन, इसका भी वन, फोर रेज टू एच से क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो एलसीएम लो, ये मल्टीप्लाई होगा फोर एच टू एच द होल स्क्वायर हो गया, फोर एच टू एच द होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टू इंटू फोर एच टू एच, इस तरह से ये अपॉन फोर एच टू एच, और सबके नीचे एच स्क्वायर है तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे एच स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो, ये हो जाएगा फोर रेज टू एच द होल स्क्वायर पहले से, ये प्लस वन को लास्ट में डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, माइनस टू फोर एच टू एच इंटू वन खुद से दे दो टू ए बी, और ये प्लस वन था तो वन स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर फोर एच टू एच इन एच इंटू एच एच स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा फॉर्मूला, लिमिट एच टेन टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फोर एच टू एच माइनस वन द होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आया, अपॉन में फोर एच टू एच इंटू एच स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए लिमिट एच टेन टू जीरो फोर एच टू एच माइनस वन अपॉन, ये जो एच है उसको रखते
और पूरे का स्क्वायर, और ये लिमिट आगे लेके जाओ, लिमिट एच टेन टू जीरो, ये जो फोर एच टू एच है यहाँ पर साइड में कर दो इस तरह से, तो होगा क्या, ये फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग फोर, ये जो था ना ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ ए होता है लॉग फोर और उसका स्क्वायर, और ये एच टेन टू जीरो है तो वन अपॉन फोर, एच की जगह जीरो रख दो, ये आ गया लॉग फोर स्क्वायर, और वन अपॉन फोर एच टू जीरो मतलब वन, वन अपॉन वन इज वन, तो वन आ गया। अब इस तरह से इसका जो आंसर ये आ गया लिमिट, ये जो क्वेश्चन था इस फंक्शन का लिमिट हमने सॉल्व किया ये आया, बट हमें क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ पाई। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू पाई एफ एक्स, और ये जो लिमिट था यहाँ से ये सॉल्व होके आया है लॉग फोर द स्क्वायर, लॉग फोर द होल स्क्वायर, तो ये फंक्शन की वैल्यू भी वही आ गई, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बात लॉग का याद रखो कि ये लॉग फोर स्क्वायर होगा अगर, और लॉग फोर द होल स्क्वायर, ये दोनों अलग होते हैं अपने आप में। अगर ये फोर का स्क्वायर है तो ये टू आगे आ सकता है, प्रॉपर्टी है लॉग की टू इंटू लॉग फोर, लेकिन अगर ये लॉग फोर द होल स्क्वायर है तो इसको कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। टेंथ में जो थर्ड क्वेश्चन था वो यहाँ पर सॉल्व हो गया।